तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक मंतस ब्लॉग। तो आज हमने थोड़ा घूमने जाना है, थोड़ा कुछ रूम के लिए सामान लेके आना है, तो चलो घूम के आते हैं। तो गैस नीचे जाते हैं और एक दोस्त को बुला रखा है, उसको मिल लेते हैं। और यहाँ हमारा दादी जी ने सजा उजा कर रखा है, लक्ष्मी के पूजा हो रहा है, लक्ष्मी पूजा हो रहा है। तो चलो नीचे जाते हैं। फिलहाल बाहर आ चुका हूँ गाइस, एक दोस्त को बुलाया है, वो आ रहा है, उसके साथ जाएगा। तो आ गया हमारा कुलदीप भैया, साथ में जाएंगे। वैक्सीन लगाना है और सिलेंडर लेके आना है। मिलता है कि नहीं, आज लक्ष्मी पूजा भी है, खुला होगा कि नहीं पता नहीं, फिर भी जा रहा है, उम्मीद लेके मिल जाएगा शायद, देखते हैं आगे। चलो हम लोग, हमारे साथ बने रहे वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो पैदल पैदल जा रहा है कुलदीप भैया को बोला, ई रिक्शा पकड़ लिए तो बोल रहा है नहीं सामने है, पैदल ही जाएंगे। तो चलो पैदल पैदल ही जाते हैं, जगह भी देख लेते हैं थोड़ा है? तो दोस्तों मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और लाइक करो, और वीडियो कैसे लगे कमेंट करना गाइस। ज़्यादा दूर होगा तो ई रिक्शा ले लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा जेरॉक्स कराना था ना, मिली जेरॉक्स करा नहीं। कितने देखे दीदी? अच्छा आधार कार्ड जेरॉक्स करना है, भीड़ लगा हुआ है। जेरॉक्स करने के लिए पूरा लाइन लगा हुआ है गाइस, हम भी लाइन में हैं। तो गाइस यहाँ तो आके बंद है, वैक्सीन लेने आया था, मेडिकल बंद है, तो अभी जाएंगे सिलेंडर लेने। सिलेंडर मिलता है कि नहीं वो भी आगे आगे देखिए, ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लग के एकदम शरीर ऐसा जल रहा है, रास्ते में ऐसे बोल वीडियो बना रहा हूँ, कोई पानी नहीं दे, कोई दिया नहीं, बेकार में दिया यहाँ पे फोटोशूट। तो टहलते टहलते हम लोग भाई इतना का पानी भर गया है। भाई यहाँ फोटो शूट करेगा, अभी इसको फोटो खींचेंगे। तैरते तैरते ट्रेन स्टेशन बालीगंज, बालीगंज ना, हाँ बालीगंज स्टेशन है। हम अभी रेल लाइन में पैदल पैदल जा रहा है। जैसे आप लोग देखे भैया बोले थे फोटो शूट किए, तो आप इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कीजिए, अगर फॉलो नहीं किए तो जाइए जल्दी फॉलो कीजिए। झकास झकास फोटो लिए आए एकदम एडिट मार के। इंस्टा का आईडी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो कर लीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ कलकत्ता का रेल लाइन कैसा होता है। अपने भैया को भाई से ये क्या अच्छा हो रहा है, हमारे इंडिया में ऐसा होगा? आप लंदन में जाके दिए क्या होता है, और हमारे यहाँ ओपन रास्ते में सुसु कर रहा है, ये अच्छा बात है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। मार्केट में घुस गया है गाइस, पूरा भीड़ भाड़ है, आ गए बाजार में। अब सिलेंडर का दुकान सामने में, देखते हैं।
पास दुकान पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम वेंडर पूछेंगे कितना लेता है क्या नहीं। क्या ब्लॉग चेक कीजिए ना सही सही है। आप लोग कभी भी सिलेंडर ले तो ऐसे चेक करवा लीजिए, क्योंकि उस दिन मैंने एक होटल में रोटी लेने गया था तो भैया को तड़का बनाने दिया, तो भैया ने तड़का जैसे बनाने लगे ऐसे सिलेंडर लीक कर रहा था, जैसे लाइटर माना ऐसे आग उठाना पूरा आग लग गया था। सो ऐसे सिलेंडर के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अच्छा से चेक कर लीजिए जब भी लेने जाए, अच्छा से चेक करिए। हमारा सिलेंडर लिया हो गया है, ले लिया सिलेंडर, भारी गजब का दिया है, कुलदीप भैया पकड़ा है। यहाँ का बाजार आप देखिएगा, मछली बाजार, सब्जी बाजार, मछली बाजार सब दिखाएंगे आपको। सब्जी बाजार मछली बाजार पीछे में छोड़ दिया इसीलिए दिखाएंगे आप लोग का। देखिए 360 राउंड व्यू। रिक्शा ले लेते हैं यहाँ से, रिक्शा पे बैठेंगे जाएंगे एकदम घर, उसके बाद घर जाके क्या दिखाना है खत्म कर देंगे। खाना बनाना खाना है। चलो चलो यही कारण तुम्हारे आदरिन जा सदती मिसली जे तो के फुट के माने खाना क्या नहीं है, बारिश का मौसम गर्मी लगा बस बेईमान तो फिलहाल ड्यूटी को चेक करता का यही रीति रीति। ऐसे दिखाने में अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा मोटा उलग कर रहा है। हम लोग है ई रिक्शा में, टोटो टोटो बैटरी रिक्शा क्या बोलते हैं यहाँ, टोटो यहाँ रिक्शा बोलते हैं, बैटरी रिक्शा। चला करके जा रहा है भाई, मजा आ रहा है, अच्छा लग गया रिक्शे में बैठ के, अभी ठंडा लग गया थोड़ा, सर्दी उर्दी लग गई है थोड़ा सा फर्क है। हम लोग उतर गए हैं रिक्शा से और चलते हैं घर। तो एकदम भैया सिलेंडर ले लिया, अब खाना बनाएंगे आराम से खाएंगे। अच्छा अच्छा बना के खाएंगे, इतना दिन से बाहर खा रहे थे आज से रूम में खाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।